Good morning, class. This is our new pathology class, in which today we will study about the third topic of CVS, that is pericarditis. Pericarditis means hota hai inflammation of pericardial layer of heart. देखिए, pericarditis acute या chronic inflammatory process है pericardium की visceral और parietal layer का. पेरिकार्डियम का इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है जो कि एक्यूट और क्रॉनिक दोनों हो सकता है. ये पेरिकार्डियम लेयर दिखाई गई है, नॉर्मल होती है ऐसी दिखाई देती है और इन्फ्लामेट होते देखिए इतनी फूल जाएगी. नॉर्मल लेयर हार्ट की मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, ये पेरिकार्डियल कैविटी, ये फाइब्रस कैप, ये पैरेटल पेरिकार्डियम और ये विसरल पेरिकार्डियम. और विसरल और पैरेटल पेरिकार्डियम के बीच में पेरिकार्डियल कैविटी है. पैथोफिजियोलॉजी देखिए, नॉर्मल हार्ट और पेरिकार्डियम बताया गया है. ये लोकेशन हार्ट की बताई गई है. ये आउटर लेयर पेरिकार्डियम है जो कि पुल्ड बैक टू शो इनर लेयर, इसको पीछे खींच करके इसकी इनर लेयर दिखाई गई है. यहाँ पर ये पेरिकार्डियम सराउंड कर रखा है हार्ट को, ये बताया गया, और यहाँ पर खींच के इसको दिखाया गया है. पेरिकार्डियल कैविटी में फ्लूड जो है वो फिल हुआ हुआ दिखाई दिया है पेरिकार्डियम की दो लेयर्स के बीच में. ये हार्ट पेरिकार्डिटिस के साथ में देखिए इन्फ्लेम्ड और थिकेंड लेयर आपको पेरिकार्डियम की दिखाई दे है, रब अगेंस्ट ईच अदर एंड द हार्ट, एक दूसरे साथ में रब हो रही है. और हार्ट पे भी देखो कितनी बड़ी अच्छे से क्लियर करके बताई गई है कि ये देखिए फ्यूज़ हो गई है ये इन्फ्लामेशन की वजह से, तो एक दूसरे से भी ये रगड़ रही है और रब हो रही है और हार्ट से भी ये रब हो रही है. अब देखिए पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं अपन, तो पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले इजियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से पेरिकार्डियल सेल्स में इंजरी हो जाती है, जो कि इंजरी की वजह से ये फ्लूइड, फाइब्रिन और इन्फ्लामेटरी सेल्स का कॉम्बिनेशन वहाँ पे रिलीज होता है. तो सबसे पहले इजियोलॉजिकल फैक्टर्स आए, उन फैक्टर्स ने पेरिकार्डियल सेल्स में इंजरी करी जिससे कि वहाँ पर उस जगह पे फ्लूइड रिलीज होगा, फाइब्रिन रिलीज होंगे और इन्फ्लामेटरी सेल्स रिलीज होंगी जैसे न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स वगैरह. इनके दो आउटकम निकलेंगे, पहला तो पर्सन को बुखार चढ़ेगा और दूसरा वहाँ पर सीरो फाइब्रो एग्ज्यूडेट दिखाई देगा. एग्ज्यूडेट होता है प्रोटीन रिच फ्लूड को कहते हैं, जो कि दो लेयर्स को रफ कर देगा और वहाँ पे फ्रिक्शन पैदा कर देगा इन दोनों लेयर्स के बीच में. पेरिकार्डियल फ्रिक्शन वहाँ मौजूद है, रब होने से वो फ्रिक्शन महसूस भी होगा. अक्सर वहाँ पे इरिटेशन, इन्फ्लामेशन होगा उस प्लूरा के चारों तरफ और डायफ्रामेटिक टिश्यू के चारों तरफ, और इससे क्या होगा, पेन कॉज होगा. अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में भाई, क्योंकि हमने कहा कि भाई फ्रिक्शन वगैरह पेन कॉज कर, तो ऑब्वियस सबसे पहला मैनिफेस्टेशन चेस्ट पेन ही है. प्रोग्रेसिव फ्रीक्वेंटली चेस्ट पेन दिखाई देगा जो कि बहुत शार्प और प्ल्यूरिटिक नेचर का होता है. ये पेन जनरली डीप रेस्पायरेशन के साथ में ज़्यादा दिखाई देगा, लाइंग सुपाइन पोजीशन में जब होगा पर्सन तो उसमें दिखाई देगा, तो गहरी सांस लेने पे और ज़्यादा ये दर्द दिखाई देता है. पर बैठने पर ये ठीक हो जाएगा. ये पेन रेडिएट होता हुआ नेक, आर्म और लेफ्ट शोल्डर तक जा सकता है. One distinction is that the pain from pericarditis can be referred to the trapezius muscle. ऐसा लगता है जैसे कि trapezius muscle का ये pain हो रहा है, ऐसा इसमें लग रहा होता है pericarditis में. यह अक्सर nitroglycerin से और morphine से ठीक नहीं होता, 4 से 48 घंटे तक आपको जब तक ये रब नहीं सुनाई देता तब तक ये बना रहता है. अब pericardial friction rub क्या है? मोस्ट ऑफ द केसेस जो पेरिकार्डिटिस के, इसको डायग्नोज किया जाता है एक रब के अपियरेंस से. ये स्पेसिफिक हर्ड है जो कि LSB पर बेस्ट आपको सुनाई देगी, हर्ड हो गया तो सुनाई देगी. यूजुअली सेकेंड या थर्ड डे, MI के सेकेंड थर्ड डे के बाद में ये सुनाई देती है, इसको पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब कहते हैं. रब का साउंड जो है वो स्क्रैचिंग जैसा, गैटिंग, क्रंचिंग या स्क्वीकिंग साउंड हो सकता है. तीन कंपोनेंट रब में रिफ्लेक्ट होते हैं, हार्ट का मूवमेंट आर्टरियल सिस्टॉल के दौरान, वेंट्रिकुलर सिस्टॉल के दौरान और वेंट्रिकुलर डायस्टॉल के दौरान. हार्ट का मूवमेंट जो है वो इसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है. इसके अलावा पेरिकार्डिटिस में पर्सन को बुखार चढ़ता है, सांस या तो कम या ज़्यादा हो जाएगी, डिस्निया, टैकेपनिया हो सकता है. ये रेस्पिरेटरी चेंजेस है जो कि एंग्जाइटी की वजह से हो सकता है, रेस्पिरेटरी स्प्लिटिंग की वजह से हो सकता है. पेन को अवॉइड करने के लिए, डीप ब्रीदिंग के बाद पेन को अवॉइड करने के लिए रेस्पिरेटरी स्प्लिटिंग की वजह से ये डिस्निया, टैकेपनिया हो सकता है. ये पल्मोनरी टिश्यू के कंप्रेशन से
भी डिस्निया जो है वो कॉज हो सकता है। इसके अलावा बेचैनी, चिड़चिड़ाहट, एंग्जाइटी होगी सिंपैथेटिक नर्व के स्टिमुलेशन की वजह से। ये पेरिकार्डियल फ्यूज़न दिखाया गया है, कार्डियोमिगैली मैसे पेरिकार्डियल फ्यूज़न की वजह से बन गई है। 200 ml पेरिकार्डियल फ्लूड यहाँ पर इकट्ठा हो गया है, जिसे कि कार्डियक एनलार्जेस आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके कॉम्प्लिकेशन, पेरिकार्डिटिस में एरिथमिया हो सकता है, क्योंकि भाई साइनस नोड में इरिटेशन हो रहा है विच इज़ लोकेटेड क्लोज टू द पैराइटल पेरिकार्डियम, क्योंकि ये साइनस नोड पैराइटल पेरिकार्डियम एकदम पास में है, तो उसमें इरिटेशन की वजह से एरिथमिया हो सकता है। इसके अलावा एट्रियल एरिथमिया, स्पेशली एट्रियल फ्लटर, एट्रियो वेंटिकुलर कंडक्शन का डिस्टर्बेंस वगैरह दिखाई देगा आपको। इसके अलावा हम पेरिकार्डियल इफ्यूजन तो बार बार बोल ही रहे हैं कि फ्लूड ज़्यादा इकट्ठा हो गया, और ये डिटेल में हम पढ़ चुके हैं पेरिकार्डियल सेगमेंट, पेरिकार्डियल फ्लूड का इकट्ठा होना पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहलाते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये टॉपिक पढ़ा था। ये जो फ्लूड है वो सीरियस प्यूरुलेंट और हेमरेजिक हो सकता है। हेमरेजिक में ब्लड टिंग्ड होता है, ब्लड दिखाई देगा, प्यूरुलेंट में पस वाला हो सकता है, या ये सीरियस ने सिरोस है, ये आई यहाँ से हटा दीजिएगा, सिरोस फ्लूड जो है वो आपको दिखाई दे सकता है। ये पेरिकार्डियल इफ्यूज़न जो है यहाँ पर, पेरिकार्डियल इफ्यूज़न तो खैर मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, यही वाला सेम पिक्चर मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर दिखाया था। कार्डियक टेम्पोनेड भी डेवलप हो सकता है पेरिकार्डियल इफ्यूज़न की वजह से। कंपनसेटरी मैकेनिज्म में इसका साइज जो है वो बढ़ जाता है, अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, तो जिससे कार्डियक फेलियर, शॉक और डेथ पर्सन की हो सकती है। पर्सन की कार्डियक फेलियर, शॉक और डेथ भी ऐसी कार्डियक टेम्पोनेट कंडीशन की वजह से हो सकती है। तो कार्डियक टेम्पोनेट है ना, टर्म याद कर लीजिए, ये आगे बार बार आता है, आपको पता होना चाहिए कार्डियक टेम्पोनेट क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था। ये कार्डियक टेम्पोनेट दिखाया गया भाई, ब्लड या दूसरे फ्लूड जो है वो बिल्डअप हो गए हैं पेरिकार्डियल सैक में, जिससे कि ये हार्ट पर प्रेशर डालते हैं, और विच में प्रिवेंट इट फ्रॉम पंपिंग इफेक्टिवली, इसकी पंपिंग फंक्शन को इफेक्ट करते हैं ये फ्लूड इकट्ठे हो गए तो पेरिकार्डियल सैक में फ्लूड जो है बिल्डअप हुआ है पेरिकार्डियल सैक के अंदर वो दिखाया गया है। बस पेरिकार्डिटिस ख़त्म इसके साथ ही। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।